मूंग का करे सही बीज उपचार, लाए खेती में बहार। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने से अतिरिक्त कमाई के साथ साथ पोषक तत्वों का भी सही उपयोग हो जाता है, लेकिन मिट्टी और बीज जनित रोग इस लाभ को कम कर सकते हैं। अतः बुआई से पहले बीज को उपचारित कर बोने से हम इन रोग और कीटों से होने वाले नुकसान को 70-80% तक कम कर सकते हैं। उपचारित करने का तरीका, बुआई से पहले बीज को किसी फर्श या पल्ली पर डालकर अच्छी तरह हाथ से फफूंद नाशक या कीटनाशक को बीज में मिलाएं, या बीज उपचार हेतु किसी ड्रम या प्लास्टिक की बोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार हेतु उपयुक्त दवाएं। बीज उपचारित हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12%, मिंकोजेब 63% प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। यह बाजार में साफ सिक्सर डेलमिक्स नाम से उपलब्ध है, या फिर 2 ग्राम कार्बोक्सिन 37.5%, थायरम 37.5% प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। यह दवा बाजार में विटावेक्स पावर और प्रोवेक्स नाम से उपलब्ध है। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या है, वहां बीज को 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोए। यह दवा बाजार में धनवान, दर्शवान, कोरोबान नाम से उपलब्ध है। मूंग की उपज को 15% तक बढ़ाने के लिए बीज को फफूंद नाशक दवा से उपचारित करने के बाद 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर या PSB कल्चर प्रति किलो की बीज की दर से उपचारित करें, जिससे जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों का अच्छा विकास होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग का वृहद कार्यक्रम इस वर्ष किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनने जा रहा है। राज्य में 1,35,000 हेक्टेयर में गर्मी में बोई जाने वाली मूंग का कार्यक्रम लिया गया है। तो याद रखिएगा किसान भाइयों, मूंग का सही उपचार ही लाएगा आपकी खेती में बहार।